ये सीखा है तू अन्ना यार, मेरा दिमाग खराब कर दे किको। हां देखो यार जाओ दे सब कुछ सीखे को नहीं। हेलो दोस्तों, तो राहुल भाई ने इशू के साथ एक फ्रेंक किया जिनमें उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, जिसे सुनकर आप भी सोचोगे कि राहुल भाई आपने ये क्या कर दिया। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखते हैं क्या हुआ था। रियल में नहीं फाड़ रहे, तो अभी आज सुन को बुलाने गए हैं, कैमरे को हमने अच्छे से छुपा दिया है, तो वो आते हैं फिर देखते हैं प्रैंक हमारा सक्सेस होता है नहीं होता। गद्दे के बारे में, और ये है गद्दा, इस पे हम सोते हैं चद्दर डालकर, और इस पे सोने में बहुत मजा आता है, और इस पे ऐसे जंप करने में भी बहुत मजा आता है। और ये इस गद्दे पे हम कम से कम 3 जन तो ऐसे नहीं बोलेंगे इस पे चद्दर है, चद्दर के नीचे गद्दा है, गद्दे के नीचे बेड है, बेड के नीचे लकड़ी है, फर्श है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे डब्लू सोता है। दांत मत काट। तो उन्होंने नने 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 बोले बोले बोल तो दिया। क्या बोल दिया? बोले तो ये है गद्दा, और इस गद्दे पे हम सोते हैं, और इस गद्दे पे गद्दे सोते हैं, ये ऐसा नहीं बोलो गद्दा गद्दो है, तो ढंग से कुछ अलग अलग और बोल सके। ये सीखा है तू अन्ना यार, मेरा दिमाग खराब कर दे किको। हां देखो यार जाओ दे सब कुछ सीखे को नहीं। तो गाइस वीडियो के चक्कर में राहुल भाई ने इशू को इतना डांटा कि वो रोने लग गई। लेकिन गाइस वीडियो को छोड़कर मत जाना, पूरा देखना, इसमें हम लास्ट में देखेंगे कि आखिरकार कौन सी चीज का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि राहुल भाई ने गुस्से में आकर विजय को फाड़ दिया, जिससे सभी टीम के लोगों में हलचल मच गई। तो गाइस वीडियो में अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।